स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टर्की के पॉपुलर एक्टर करीम बुरसिन के बारे में और जानेंगे उनके टॉप 5 टर्किश ड्रामास जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं यान इन्फो, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करीम बुरसिन जो टर्की के मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं, वैसे तो करीम बुरसिन टर्की से बिलोंग करते हैं मगर उन्होंने अपना टीनेज यूएसए में गुजारा है जहाँ पे उन्होंने ड्राइवर की भी जॉब की है। पर करीम बुरसिन को एक्टिंग और थिएटर का बहुत ज्यादा शौक था। उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए ही 2010 में करीम ने एक साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवी में काम किया है, जिसके बाद 2013 में करीम बुरसिन को अपना पहला टर्किश ड्रामा मिला और इस शो से उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। करीम बुरसिन ने अब तक 7 टर्किश ड्रामास और 6 मूवीज में काम किया है और अब करीम बुरसिन एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुके हैं और करीम बुरसिन के इंस्टाग्राम पर 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अब आइए जानते हैं टॉप 5 टर्किश ड्रामास ऑफ करीम बुरसिन और इन शोज को आपको जरूर देखना चाहिए। गुनेशी बेक्लरकेन, वेटिंग फॉर सन, 2013 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक हाई स्कूल ड्रामा। ये कहानी जेनिब की है जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में जेनिब की मुलाकात करीम से होती है पर दोनों की हमेशा से ही बहस होती रहती है और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और जेनिब को तलाश है अपने पिता की जिससे वो बचपन में ही अलग हो चुकी थी। और आगे क्या होगा जाने के लिए देखिए बेहतरीन रोमांटिक टर्किश ड्रामा वेटिंग फॉर सन यूट्यूब पर। मोहतेशम एकेली, 2018 में रिलीज हुआ एक कॉमेडी एक्शन क्राइम टर्किश ड्रामा जिसका सिर्फ एक सीजन और 12 एपिसोड्स ही अवेलेबल हैं। ये कहानी है दो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की जिनको असाइन किया जाता है एक ड्रग्स रैकेट को पकड़ने के लिए जिनके पीछे बहुत बड़े गैंग का हाथ होता है। दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग होने के बावजूद ये केस को सॉल्व करने के लिए दोनों मान जाते हैं और इसके साथ इन दोनों की निजी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो कैसे ये केस को और अपनी जिंदगी की सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ये सब जानने के लिए देखिए एक बेहतरीन कॉमेडी एक्शन ड्रामा मोहतेशम एकेली। सेरेफ मेसेलेसी, 2014 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक थ्रिलर टर्किश ड्रामा। ये कहानी दो भाइयों की है, एगित और एमिर। दोनों ही भाई अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं उन माफिया के लोगों से जिन्होंने एमिर और एगित के पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। इन लोगों को सजा दिलाने के लिए एमिर कानून का सहारा लेता है पर वही एगित एक गुंडा बन जाता है जो माफिया की गिरोह में शामिल हो जाता है। और आगे क्या ये दोनों भाई अपना बदला ले पाएंगे या दोनों के बीच में ही दरार आ जाएगी जानने के लिए देखिए इस बेहतरीन रोमांटिक थ्रिलर टर्किश ड्रामा को जो आबरू नाम से आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा कंप्लीट एपिसोड्स के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी, 2017 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक एक्शन टर्किश ड्रामा। ओरिजिनली शो के सिर्फ 20 एपिसोड्स हैं और ये कहानी है अली और दरिन की। अली एक अनप्रोफेशनल बॉक्सर है जो इलीगल फाइट्स करता है। अपनी माँ के मौत के बाद अली के पास कोई घर नहीं होता जिसके वजह से वो बोट में रहता है। एक दिन जब अली इस्तांबुल आता है तो उसकी मुलाकात होती है दरिन से। दरिन एक रिच फैमिली से है और 10 दिन में उसकी शादी भी है। दरिन को डांसर बनने का बहुत ज्यादा शौक है मगर उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते। अली और दरिन की मुलाकात एक ऑडिटोरियम में होती है पर यहाँ अली का पासपोर्ट खो जाता है जिसे ढूंढने में दरिन उसकी मदद करती है, जिसके बाद दोनों एक दिन साथ गुजारते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और यहाँ इस्तांबुल में अली की मुलाकात होती है शाहीन से जो उसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता है। पर आगे क्या होगा, क्या अली के लिए दरिन अपनी शादी तोड़ देगी और क्या होगा जब अली को पता चलेगा कि उसकी माँ की मौत के पीछे शाहीन का हाथ है। और आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए बेहतरीन रोमांटिक एक्शन टर्किश ड्रामा जो यूट्यूब पर अवेलेबल है हार्ट ऑफ द सिटी नेम से। सेंजल केपिमी, जो 2020 में टेलीकास्ट हुआ एक रोमांटिक टर्किश ड्रामा है। ये कहानी सरकन और अदा की है जो झूठी एंगेजमेंट करते हैं ताकि सरकन अपनी गर्लफ्रेंड को जला सके और अदा अपनी पढ़ाई खत्म कर सके, मगर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और आगे क्या होगा, क्या इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा या फिर नहीं, जाने के लिए देखिए यू नॉक माई डोर। संजल के पिमी को जल्द ही उर्दू में डब किया जा रहा है और आप इस शो को यूट्यूब पर देख पाएंगे उर्दू वन चैनल पर। तो ये थे टॉप 5 टर्किश ड्रामास ऑफ करीम बुरसिन। आपने इन सभी शोज में से कौन सा टर्किश ड्रामा देखा है उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या आप सेंजल केपीमी को हिंदी में देखना चाहते हैं या फिर नहीं उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।